नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस होम्योपैथिक दवा के लक्षण और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहला लक्षण में हृदय में ऐसा महसूस होता है जैसे मानो हृदय को मुट्ठी से जल्दी जल्दी दबाया और छोड़ा जा रहा है। यह हृदय के रोग की प्रधान दवा है। रोगी को ऐसा अनुभव होता है मानो उसका हृदय मुट्ठी में दबाया हुआ है और जल्दी जल्दी उसे दबाया और छोड़ा जा रहा है। उसे हृदय में ऐसा दर्द होता है कि वह समझता है कि उसका रोग असाध्य है। उसे डर लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का भय वैसे एकोनाइट में भी है, परंतु कैक्टस में मृत्यु भय की तीव्रता एकोनाइट जैसा नहीं है, अर्थात एकोनाइट में मृत्यु भय की तीव्रता अधिक होती है। कैक्टस का रोगी उदास रहता है, अकेला चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। हृदय के रोग में रोगी प्रायः रोया करता है और कैक्टस में भी रोना का लक्षण है। एकोनाइट में गले और छाती में रोगी ऐसी जकड़न अनुभव करता है मानो घुटकर मर जाएगा। यह घुटन कैक्टस की घुटन से ज्यादा है, परंतु कैक्टस में भी ऐसा घुटन पाया जाता है। संक्षेप में बोलूं तो कैक्टस एंजाइना पेक्टोरिस की बहुत अच्छी दवा है। अगर आपका हृदय ऐसा महसूस हो कि उसे हृदय को मुट्ठी से जल्दी जल्दी दबाया और छोड़ा जा रहा है, हृदय में जकड़न है, तो आप बिल्कुल कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस होम्योपैथी दवा का उपयोग करें, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। दिल के इस प्रकार के कष्ट अन्य होम्योपैथी दवा में भी है, एक बार मैं उनका भी उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला दवा जो है कैक्टस, इसका लक्षण क्या था कि मानो मुट्ठी से हृदय को बार बार जकड़ा और छोड़ा जा रहा है, ऐसा लक्षण है तो कैक्टस होम्योपैथी दवा से लाभ होगा। दूसरा दवा है लेकेसिस, सोकर उठने पर दिल का सिकोड़ा जाना और घबराहट दूर करने के लिए कपड़ा उतार कर फेंक देना, अर्थात सोकर उठने पर दिल ऐसा महसूस होता है कि दिल में को सिकोड़ा हुआ है दिल बिल्कुल, और घबराहट इतना होता है कि रोगी अपने कपड़े को उतार फेंकता है, ऐसे लक्षण में लेकेसिस होम्योपैथी दवा से लाभ होगा। आर्सेनिक, घूमते फिरते मालूम होना कि दिल सिकुड़ रहा है, ऐसे लक्षण में आपको आर्सेनिक होम्योपैथिक दवा देना है। कैक्टस का अन्य लक्षण देखो तो यह किसी भी अंग में जकड़न की होम्योपैथिक दवा है। कैक्टस का जकड़न वाली अनुभव सिर्फ हृदय तक सीमित नहीं है, रोगी किसी भी अंग में जकड़न अनुभव करे तो कैक्टस ही दवा है। रोगी अनुभव करता है कि उसकी छाती लोहे की जंजीर से जकड़ी हुई है, सिर पर इस प्रकार का दबाव अनुभव करता है मानो सिर पर भारी बोझ से सिर जकड़ा पड़ा है। यह जकड़न हृदय और छाती के अलावा मूत्राशय, गुदा, जरायु, योनि आदि किसी भी अंग में हो सकती है। हृदय में जकड़न का अनुभव, सिर के कसकर बांधे होने का अनुभव, छाती में बोझ जिसमें सांस लेना कठिन हो, गले में जकड़न भरी ऐंठन, जरायु में ऐसी जकड़न कि मैथुन ना हो सके, मस्तिष्क में ऐसा अनुभव होना कि कपड़े से जोर से लपेटा हुआ है, ये हैं भिन्न भिन्न अंगों के जकड़न के अनुभव जिसमें कैक्टस बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और ऐसे जकड़न में कैक्टस होम्योपैथी दवा से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगला, कैक्टस वात रोग या गठिये में जकड़न का होम्योपैथिक दवा भी है। रोगी के जोर में ऐसा अनुभव करता है, रोगी अपने जोर में मानो पट्टी से जोर जकड़ा हुआ है, बंधा पड़ा है। इस प्रकार के अनुभव में जकड़न दबाव सा महसूस होता है, इस जकड़न के दर्द की अनुभूति होती है, ऐसा जकड़न में थोड़ा दर्द भी महसूस होता है। कल्पना कीजिए कि जिस जोड़ में वात शोथ है उसे पट्टी से लगातार जोर जोर से कसकर बांधा जा रहा है, तब जैसी अनुभूति होती है वैसी जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, और ऐसे गठिया में के जकड़न में आपको कैक्टस होम्योपैथी दवा का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कैक्टस बाई बांह का शून्य हो जाने का भी होम्योपैथिक दवा है। हृदय के रोग में बाई बांह में ऐंठन और शून्यपना हो सकता है और हो जाता है। जो लोग गठिया या हिस्टीरिया के रोगी होते हैं उनमें भी बाई बांह में ये लक्षण पाए जाते हैं। कैक्टस में भी हाथ का सुन्नपना या कीड़ियां सी चलना मौजूद है, और इससे इस रोग की भी
दवा है कैक्टस, और ऐसा सिम्टम बिल्कुल कैक्टस से ठीक हो जाता है। अर्थात बाएं हाथ में सुन्नेपन और कीड़ियां से चलने के लक्षण में आप बिल्कुल कैक्टस होम्योपैथी दवा का उपयोग करें, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अगला लक्षण, रक्त संचय के कारण भिन्न भिन्न अंगों से रुधिर जाना, जैसे कि बवासीर में भी होता है। हृदय के रोग में रक्त का संचार विघटित हो जाता है, इसलिए किन्हीं अंगों में रक्त का संचय अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक रक्त संचय के कारण भिन्न भिन्न अंगों से रुधिर बहने लगता है। सिर में रुधिर का संचय इतना हो जाता है कि नकसीर फूटती है, खांसते हुए गले से खून आता है, छाती से खून आता है। यह खून रक्त संचय के कारण होता है। जरायु से रुधिर आता है, मूत्राशय से और मूत्र में रुधिर आने लगता है। यह रक्त श्राव टीवी के कारण नहीं होता। बवासीर में मस्से खून से भरकर बड़े हो जाते हैं, इसलिए कैक्टस खूनी बवासीर की भी दवा है। अगर रक्त संचय के कारण भिन्न भिन्न अंगों से रुधिर जाने लगे तो कैक्टस होम्योपैथिक दवा बहुत ज्यादा लाभकारी दवा है, उससे जरूर लाभ मिलता है। अगला लक्षण, पेट आंतों हाथों टांगों सिर में स्पंदन होना। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में, पेट में, आंतों में, हाथों में, टांगों में, सिर में, हृदय के नाड़ी का स्पंदन अनुभव करना इस औषधि का विचित्र लक्षण है। जब भी आप पेट में, आंतों में, हाथों में, टांगों में, सिर के भिन्न भिन्न अंगों में हृदय के नाड़ी के स्पंदन जैसा अनुभव करें तो आपको कैक्टस होम्योपैथिक दवा का ही ध्यान जाना चाहिए और उसी दवा से लाभ प्राप्त होगा। कैक्टस औषधि का अन्य लक्षण देखें तो 11 बजे रोग वृद्धि। 11 बजे प्रातः या शाम में रोगी का जो लक्षण है वो बढ़ जाता है, रोगी को लक्षण सताते हैं। छाती पर बोझ की शिकायत होगी तो 11 बजे सवेरे या 11 बजे शाम। ज्वर आएगा तो 11 बजे सुबह या शाम, या सुबह और शाम ठंड सताने लगेगी तो 11 बजे रोग में वृद्धि होती है। कैक्टस का अगला लक्षण है मूत्रावरोध। मूत्राशय में ऐसी सिकुड़न होती है कि मूत्र नहीं निकलता, रुका रहता है। इस औषधि में रुधिर के थक्के आसानी से बन जाते हैं। शरीर में रुधिर का जो संचार होता है वह इतना जल्दी थक्कों में जम जाता है कि रुधिर प्रवाह को रोक देता है। मूत्राशय में अगर रुधिर स्राव हो जाए तो उसके थक्के जम कर मूत्र मार्ग को रोक देते हैं, रोगी का मूत्र इसके कारण रुक जाता है और ऐसे मूत्रावरोध में कैक्टस होम्योपैथिक दवा से लाभ प्राप्त होता है। अगला लक्षण, मासिक धर्म का कष्ट। मासिक धर्म के समय तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट स्त्री का जरायु मार्ग इन रुधिर के थक्कों से रुक जाता है और इन्हें बाहर धकेलने के लिए जरायु में ऐंठन पैदा होती है जो प्रजनन के समय के कष्ट के समान होती है। रोगिनी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और जब तक रुधिर के ये जमे हुए थक्के निकल नहीं जाते तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। अगर यह अवस्था गठिये के रोगी में पाया जाए तो हर हालत में कैक्टस ही इस शिकायत को दूर करेगा, ध्यान रखिएगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि कैक्टस मुख्य तौर पर हृदय की औषधि है, इसलिए रुधिर के संबंध रखने वाले रोगों में लक्षणानुसार इसका प्रयोग होता है और इससे लाभ भी प्राप्त होता है। अब शक्ति की बात करें तो इसकी शक्ति निर्धारित करने के लिए अपने समस्त लक्षण पर एक बार चिकित्सक से आप जरूर परामर्श कर लें। आपको कितने पोटेंसी की दवा का इस्तेमाल करना है आपका केस टेकिंग करके चिकित्सक अच्छे से बता पाएंगे। लक्षण मिलने पर आप ये कैक्टस होम्योपैथिक दवा का बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। यह हृदय के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, हृदय के लिए अमृत है और जैसा जैसा मैंने लक्षण बताया है अगर वह लक्षण मिलता है तो आपको कैक्टस ग्रैंडिफोलस का अवश्य ध्यान जाना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।